श्रोता बंधु नमस्कार, मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरगर अध्यक्ष आपण मानंकु स्वागत करुछि एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्यरे रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठारु आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण करि आसुछि। आदि ठारु सेही परि शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जहार ना चलत जानवा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। यही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुवा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देखा प्रार्थी मैंने विशेष उपकृत हे। रेडियो सुरभिर यह अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्षरे प्रथम बोली अभिहित करे। ऐतिहासिक कार्यक्रम समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत कर इतिहास विभाग प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग कर श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार, कोरापुट सरकारी महाविद्यालय इतिहास विभागीय मुख्य तथा जातीय दृष्टिबाधित संघ ओडिशा शाखार अवैतनिक इनक्लूसिव शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदय लेट्स नो हिस्ट्री बा चलंतु जानिबा इतिहास माध्यम रे छात्र छात्री मानंक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्य खसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन रे मु नीलिमा दास आपण मानंकु स्वागत करुछि। आज आमे सुनिबा बौद्ध कला ओ स्थापत्य संपर्क रे। कला ओ स्थापत्यर चराभूई उत्कल भूखंड जुगे जुगे तार कलात्मक कृति पाई विश्व प्रसारी होइछे। एही माटी जैन सह बौद्ध, बौद्ध सह ख्रिस्टियान, ख्रिस्टियान सह इस्लाम प्रभृति धर्मर समन्वय घटी किभली एहार ललित कला को विस्तार करिछि एवं ताहा बौद्ध कला माध्यमरे किभली आत्मप्रकाश करिछि से संपर्करे आजिर प्रश्नोत्तर। प्रश्न एक, गणियापालीर बौद्ध कला केउं जिल्लारे अवस्थित? उत्तर, बरगड़ जिल्लार मेछामुंडा गाँ निकटरे अवस्थित। प्रश्न दुई, गणियापाली ठारे थिबा बौद्ध कलार वैशिष्ट्य कौन? उत्तर, एठारे बुद्धंकु धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रारे देखिबाकु मिलिथाए। प्रश्न तीनी, मच्छनिंद बौद्ध रूप केउठारु प्राप्त होइछि? उत्तर, गणियापाली ठारु। प्रश्न चारि, गणियापाली ठारे कहार नेतृत्व रे प्रत्नतात्विक खनन करा जायथिला? उत्तर, संबलपुर विश्वविद्यालय इतिहास विभाग आनुकूल्य रे। प्रश्न पांच, बाणेश्वर नासिर बौद्ध कला केउ जिल्लारे अवस्थित? उत्तर, कटक जिल्लार नरसिंहपुर निकटरे अवस्थित। प्रश्न छ, बाणेश्वर नासिरु मिलिथिबा बौद्ध कला गुड़िक मध्यरे केउं गुड़िक मुख्य अटे? उत्तर, अवलोकितेश्वर मूर्ति, देवी तारांक मूर्ति, प्रज्ञा परमिता मूर्ति ओ ध्यान बुद्धंक मूर्ति आदि। प्रश्न सात, ओडिशार केउं नदी अववाहिकारे बौद्ध कलार पेंठ थिला बोली जणा जाए? उत्तर, महानदी अववाहिकारे। प्रश्न आठ, बौद्ध कलार अन्यतम स्मारकी अच्युत राजपुर केउठारे अवस्थित? उत्तर, पुरी जिल्लार बाणपुर निकटरे अवस्थित। प्रश्न न, अच्युत राजपुर ठारु बौद्ध कलार केउ केउ प्रमाण मिलिअछि? उत्तर, बुद्धंकर ब्रोंज मूर्ति एवं बौद्ध धर्मर अन्यान्य देवादेवीक मूर्ति आदिर प्रमाण मिलिअछि। प्रश्न दस, अच्युत राजपुर ठारे बौद्ध धर्मर केउ केउ गोष्ठी बास करुथिबा जणा जाए? उत्तर, महाजान ओ वज्रजान गोष्ठी। प्रश्न एगार, मध्ययुगीय ओडिशार बौद्ध कला को केउ कीर्तिराजी उज्जीवित करिथिला?
ଉତ୍ତର ଅଚ୍ୟୁତ ରାଜପୁରର କୀର୍ତ୍ତିରାଜେ। ପ୍ରଶ୍ନ ବାର, ଚୌଦ୍ୱାରରୁ କେଉଁ କେଉଁ ବୌଦ୍ଧ କଳାର କୀର୍ତ୍ତି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର, ଦେବୀ ତାରା ମୂର୍ତ୍ତି, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅବଲୋକିତେଶ୍ୱର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଦି। ପ୍ରଶ୍ନ ତେର, ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଆବିଷ୍କୃତ କେଉଁ କେଉଁ ବୌଦ୍ଧ କଳା କଲିକତାର ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର, ବଜ୍ର ବାରାହୀ ଏବଂ ତାରା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଦି। ପ୍ରଶ୍ନ ଚଉଦ, ବୌଦ୍ଧ କଳାର ସର୍ବବୃହତ୍ ନିଦର୍ଶନ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଯାଜପୁରର ତତ୍କାଳୀନ SDOଙ୍କର ଦଫ୍ତର ହତାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ପଦ୍ମପାଣି ମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ପନ୍ଦର, ଯାଜପୁର ସ୍ଥିତ ବୌଦ୍ଧ ବିହାରରୁ ବୌଦ୍ଧ କଳାର କେଉଁ ଦୁଇଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଭୂମିସ୍ପର୍ଶ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଷୋହଳ, ବୌଦ୍ଧ କଳାର ନିଦର୍ଶନଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉପଲବ୍ଧ? ଉତ୍ତର, ରତ୍ନଗିରି, ଲଳିତଗିରି, ଉଦୟଗିରି, କୁରୁମ, ଆରାଗଡ଼ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ସତର, କେଉଁ ରାଜବଂଶର ଶାସନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ କଳା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଭୌମକର ରାଜବଂଶର। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଠର, କେଉଁ ରାଜବଂଶର ଶାସନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ କଳାର ପତନ ଘଟିଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଭୌମକର ରାଜବଂଶର। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଣେଇଶ, ବୌଦ୍ଧ ମହାଯାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବଂଶର ଶାସନ ସମୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଭୌମକର ରାଜବଂଶର। ପ୍ରଶ୍ନ କୋଡ଼ିଏ, ଭୌମକର ରାଜାମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ହୀନଯାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମକକ୍ଷ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ମହାଯାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।